SRM टुडे, शहर की आवाज। साल का पहला चंद्र ग्रहण आज है, जो भारत में दिखने के कारण सूतक होने की वजह से सुबह ही मंदिरों के पट बंद कर दिए गए, जिसके चलते भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के पट बंद रहे और दर्शनार्थियों ने बाहर से ही भोले के दर्शन किए। 2018 का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण आज है, जिसके कारण सुबह ही पशुपतिनाथ मंदिर के पट बंद कर दिए गए और दर्शनार्थियों को बाहर से ही दर्शन कर लौटना पड़ा। पूर्ण चंद्र ग्रहण में एक साथ सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून की स्थिति बन रही है। ब्लड मून का मतलब पृथ्वी की छाया पूरे चंद्रमा को ढक दे, फिर भी सूर्य की कुछ किरणें धरती के वायुमंडल से होकर चांद तक पहुँचती है। बिखरी किरणें चांद पर पड़ती है तो चांद लाल रंग का दिखता है। वही ब्लू मून का मतलब एक माह में दो पूर्णिमा हो तो ब्लू मून होता है। 2 और 31 जनवरी को पूर्णिमा है, चांद नीला नहीं दिखता, दुर्लभ स्थिति के कारण ऐसा कहते हैं। इसके अलावा सुपर मून यानी पूर्ण ग्रहण के समय चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम बिंदु के करीब होगा, इससे चांद सामान्य से बड़ा और चमकीला दिखेगा। भारत से दिखने वाला ब्लू मून पूर्ण ग्रहण 174 साल बाद होने जा रहा है। ऐसा 31 मई 1884 और 31 दिसंबर 1656 को हुआ था, तब ये ग्रहण भारत में भी दिखे थे। शाम 5:20 से शुरू होने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण 3 घंटे 24 मिनट का होगा और पूरे देश में दिखेगा। चूँकि आज चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण होने के कारण से पूजा अर्चना भगवान को स्पर्श और अभिषेक वर्जित होते हैं, इसलिए दर्शनार्थियों को पूजा अर्चना से थोड़ा दूर रखा जा रहा है। कि आज चंद्र ग्रहण का सूतक प्रातः 8:15 पर लग चुका, जो ग्रहण समाप्ति होगी 8:45 तक। इसमें चंद्र ग्रहण काफ़ी दिनों बाद आया है, काफ़ी दिनों समय बाद ये चंद्रग्रहण आया हुआ है और चंद्रग्रहण होने के कारण से उस ग्रहण के समय में भगवान के पट बंद रहेंगे, सभी मंदिरों के पट बंद रहेंगे। आपने यहाँ पशुपतिनाथ में चारों मंदिर के पट बंद रहेंगे। संवाददाता विपिन चौहान के साथ SRM टुडे मंदसौर। SRM टुडे, शहर की आवाज़।